This video is brought to you by Howzat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? Howzat पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हरा और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howzat.com एंड विन रियल कैश। यह 60 के दशक के शुरुआती सालों की बात है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मद्रास के एक नेता को कांग्रेस में एक नई जान फूंकने के इरादे से दिल्ली लाते हैं, उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं। वह नेता कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए नई नई प्लानिंग करता है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को सरकार से हटाकर उन सबको पार्टी संगठन में भेजता है। लेकिन इसी दौर में मद्रास में उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम शुरू होता है और इस काम को अंजाम देता है उसी दौर में तमिलनाडु से दिल्ली आया एक नेता। वह नेता राज्यसभा एमपी बनकर दिल्ली आया था, लेकिन 5 साल बाद जब वापस लौटा तो मुख्यमंत्री का ताज उसका इंतजार कर रहा था। वह नेहरू जिस नेता को दिल्ली लाए थे वह प्रधानमंत्री बनते बनते तो चूका ही मद्रास का निज़ाम भी गंवा बैठा और साथ ही नेहरू की बेटी जिसे उसने प्रधानमंत्री बनाया था वो भी उसका साथ छोड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकी। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं मद्रास के किन दो नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो चलिए अब आपको बताता हूँ उनके बारे में। नेहरू जिस नेता को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर लाए थे उसका नाम था के कामराज, जो उस वक्त मद्रास के मुख्यमंत्री थे। वहीं 1962 में मद्रास से जो दूसरे नेता राज्यसभा पहुंचे थे उनका नाम था कांजीवरम नटराजन अन्नादुरै, शॉर्ट में कहें तो CN अन्नादुरै। वही अन्नादुरै जिन्होंने 1967 के विधानसभा चुनाव में मद्रास में कामराज और उनकी कांग्रेस को ऐसी पटकनी दी कि आज तक वहां कांग्रेस पनप नहीं पाई। कांग्रेस ही नहीं बल्कि कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी भी वहां पर अपने पांव नहीं जमा सकी। फिलहाल हम उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 52 साल पहले यानी 1969 में 60 बरस की उम्र में 3 फरवरी को अन्नादुरै का निधन हो गया था। उसके बाद उनकी पार्टी और सरकार की कमान M करुणानिधि के पास आ गई थी। अन्नादुरै थे कौन और कैसे उन्होंने डीएमके की शुरुआत की, इस बारे में बात करते हैं। अन्नादुरै कांचीपुरम की एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। शुरुआत उन्होंने एक कॉलेज लेक्चरर के तौर पर की थी। अंग्रेजी पढ़ाते थे लेकिन जल्द ही पत्रकारिता करने लगे। इसी दौरान पेरियार और उनकी पार्टी द्रविड़ कड़गम के संपर्क में आए। पेरियार पक्के नास्तिक थे और हिंदू देवी देवताओं पर उनका रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। अन्नादुरै पर भी उनका काफ़ी प्रभाव था, लेकिन 1949 आते आते दोनों के रास्ते जुदा हो गए। दोनों के बीच एक ऐसा मुद्दा आ गया जहां दोनों की सोच एकदम विपरीत थी। ये मुद्दा था पेरियार का 15 अगस्त 1947 को शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला। पेरियार मानते थे कि इस आज़ादी से समूचा मद्रास प्रेसिडेंसी उत्तर भारतीयों के वर्चस्व वाले केंद्रीय शासन में चला जाएगा। लेकिन अन्नादुरै ने पेरियार की सोच का विरोध किया और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले चुनाव में भाग लेने की अपील की। पेरियार नहीं माने, जिससे अन्नादुरै उनसे अलग हो गए और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के नाम से अपनी नई पार्टी खड़ी कर ली। अब बात द्रविड़नाडु की मांग की। अन्नादुरै 40 के दशक से ही एक अलग राष्ट्र द्रविड़नाडु की मांग का समर्थन कर रहे थे। तमिल भाषा में नाडु का मतलब होता है राष्ट्र। अपनी नई पार्टी में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया और द्रविड़नाडु की मांग पर कायम रहे। लेकिन पहले भाषा के आधार पर मद्रास प्रेसिडेंसी के विभाजन और बाद में भारत चीन युद्ध से पैदा हुए राष्ट्रीयता के माहौल ने उनकी इस मांग को बेतुका बना दिया। अन्नादुरै ने भी चीन के मुद्दे पर सरकार का खुलकर साथ दिया। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि 1962 में राज्यसभा में आने के बाद देश के बाकी हिस्सों से आने वाले सांसदों से उनका लगातार साबका पड़ता रहा और दिल्ली की सियासत के कंपोजिट कल्चर के अनुभवों ने उन्हें समय के साथ लिबरल बना दिया और तब उन्होंने द्रविड़नाडु की अपनी मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब बात वाजपेयी और अन्नादुरै के रिश्ते के बारे में। 1962 में मद्रास राज्य से राज्यसभा चुनाव जीतकर अन्नादुरै दिल्ली पहुंचे। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी भी राज्यसभा पहुंच गए। वाजपेयी को राज्यसभा इसलिए आना पड़ा क्योंकि वे बलरामपुर की अपनी लोकसभा सीट गंवा बैठे थे। फिल्म एक्टर बलराज साहनी की वजह से वाजपेयी ने ये सीट गंवा दी थी। बलराज साहनी ने तब कांग्रेस कैंडिडेट सुभद्रा जोशी के समर्थन में दिन रात बलरामपुर में कैंपेन किया था। राज्यसभा में अक्सर वाजपेयी और अन्नादुरै में तीखी नोकझोंक होती। नोकझोंक स्वाभाविक भी थी क्योंकि कहाँ हिंदुस्तान का नारा लगाने वाली जनसंघ के नेता वाजपेयी और कहाँ हिंदी और हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा और वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी अन्नादुरै। जब मद्रास और अन्य राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करते तब भी वाजपेयी उनके विरोध में खड़े हो जाते, और जब वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध करते तब भी वाजपेयी उनकी क्लास लगा देते। लेकिन इन सब के बावजूद अन्नादुरै और वाजपेयी पक्के दोस्त बन चुके थे। अन्नादुरै तो राज्यसभा में भी वाजपेयी की हिंदी भाषा पर कमांड की खूब तारीफ करते, जबकि वाजपेयी भी तमिल साहित्य के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के मकसद से अक्सर अन्नादुरै के फ्लैट पर पहुंच जाते। इतना ही नहीं, 1962 में चीन युद्ध के वक्त प्रधानमंत्री नेहरू ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तब वाजपेयी और अन्नादुरै साथ साथ पहुंचे। उस मीटिंग में जब अन्नादुरै बोलने लगे तब सबको बहुत आश्चर्य हुआ। कल तक द्रविड़नाडु की बात करने वाला नेता ऑल पार्टी मीटिंग में देश की एकता और अखंडता की बातें कर रहा था और सरकार के हर कदम का समर्थन भी कर रहा था। अब बात करते हैं हिंदी विरोधी आंदोलन और डीएमके के सत्ता में आने की। 1965 में मद्रास राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन भड़क गया और इसकी वजह थी संविधान सभा का संकल्प। दरअसल 1950 में जब संविधान लागू किया जा रहा था तब उसमें हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन दक्षिण के राज्यों के विरोध को देखते हुए इसे 15 वर्ष के लिए टाल दिया गया। फिर 1963 में जब संसद में हिंदी को राजभाषा बनाने का बिल आया तब दक्षिण के राज्यों में फिर इसका विरोध शुरू हो गया। भारी हंगामे के बीच संसद ने इस बिल को पारित किया, लेकिन इस दरमियान जो सबसे आश्चर्यजनक बात नोट की गई वो थी सांसद अन्नादुरै का अलग लाइन लेना। वे अब विरोध के बजाय एक त्रिभाषा फॉर्मूला सुझा रहे थे। उनके फॉर्मूले के तहत हर राज्य के लोगों को अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा एक और देशी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली में उनके रुख के ठीक उलट मद्रास में उनकी पार्टी के सेकंड इन कमांड माने जाने वाले एम करुणानिधि जबरदस्त तरीके से हिंदी विरोधी आंदोलन चला रहे थे। कई जगहों पर यह आंदोलन हिंसक भी हो गया था। 26 जनवरी 1965 को जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तब उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को डीएमके ने पूरे मद्रास राज्य में शोक दिवस मनाया। इस हिंदी विरोधी आंदोलन ने मद्रास में कांग्रेस विरोधी माहौल पैदा कर दिया था और इस माहौल को दोनों हाथों से कैश करने के लिए मद्रास में सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी और वो थी अन्नादुरै की डीएमके। 1967 में जब मद्रास राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ तब वहां की 222 सीटों में से 137 सीटें अकेले डीएमके ने जीती और पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अन्नादुरै मुख्यमंत्री बन गए, जबकि उनके खास पैसेदार एम करुणानिधि को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। अब वो किस्सा जब अन्नादुरै कामराज की हार से दुखी हो गए। 1967 के चुनाव के नतीजे ज्यों-ज्यों आ रहे थे, डीएमके के नेता खुशी मना रहे थे। उनके लोग सड़कों पर निकलकर झूम रहे थे, लेकिन जिन्हें राज्य की सत्ता संभालनी थी वे चिंतित नजर आ रहे थे। चिंतित इसलिए कि कामराज और मुख्यमंत्री भक्त वक्सलम अब विधानसभा में नहीं होंगे। कामराज को डीएमके के ही एक स्टूडेंट लीडर ने हरा दिया था। अन्नादुरै की यह सोच उनके नेहरूवियन मानसिकता को दर्शा रही थी। 1948 में नेहरू भी बहुत दुखी हुए थे जब एक बाबा ने फैजाबाद की असेंबली सीट पर सोशलिस्ट नेता आचार्य नरेंद्र देव को हरा दिया था। बहरहाल सत्ता अन्नादुरै के हाथ में आ चुकी थी, वे मुख्यमंत्री बन चुके थे। हिंदी विरोधी आंदोलन ने उनकी पार्टी को मद्रास की कमान सौंप दी थी। उनके मंत्री और वे खुद अपने तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट्स मसलन स्कूली शिक्षा में सुधार, सरकारी बसों में स्टूडेंट्स को टिकट लेने में छूट वगैरह लागू कर रहे थे, लेकिन वे खुद अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सके। वो प्रोजेक्ट था उनका त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसके लिए उन्होंने संसद में काफ़ी पैरवी की थी। दरअसल उस दौर में मद्रास में हिंदी विरोध का आलम ऐसा था कि लोग उनके त्रिभाषा फॉर्मूले को हिंदी थोपने के चश्मे से देखने लगते, लिहाजा उन्होंने इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना ही उचित नहीं समझा। हालांकि 1968 में वे द्विभाषी फॉर्मूला लेकर जरूर आए और मद्रास राज्य में लोगों के लिए तमिल के अलावा अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य कर दिया। 1968 के अंत में उन्होंने एक और काम किया, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास करवाया और उसे केंद्र के पास भेज दिया। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु नाम प्रचलन में आ गया। हालांकि अन्नादुरै ज़्यादा दिनों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं रह सके। उन्हें कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया। राज्य का नाम बदलने के 20वें दिन यानी 3 फरवरी 1969 को उनका निधन हो गया। मृत्यु के बाद भी वे एक रिकॉर्ड बना गए थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पा गए थे और इसकी वजह थी उनकी शव यात्रा में उमड़ी भीड़। एक अनुमान के मुताबिक उनकी शव यात्रा में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। ये तब भी एक रिकॉर्ड था और अब भी एक रिकॉर्ड है। कहा जाता है कि भारी भीड़ के सामने उनकी सरकार के मंत्री एम करुणानिधि ने अकेले उनके शव को उठा लिया। ये देखकर भीड़ इमोशनल हो गई और इसी इमोशन के सहारे करुणानिधि ने नेतृत्व की होड़ में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को पछाड़कर खुद मुख्यमंत्री का पद पा लिया। आपके लिए किससे लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लनटॉप। दी लल्लनटॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लनटॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लनटॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लनटॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लनटॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लनटॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।